अगर हम बात करें तो गौ तस्कर, चोर, लुटेरे और बदमाश की, तो योगी पुलिस को खुली चुनौती देते हुए वारदातों का अंजाम देने से नहीं चूक रहे। ऐसा ही एक ताज़ा मामला थाना लोहिया नगर क्षेत्र का सामने आया है, जहां गौ तस्करों ने गोक्षी की वारदात को अंजाम दे डाला और कुंभकर्ण की नींद सोती रही लोहिया नगर थाना पुलिस। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क से गुजर रहे एक मुस्लिम युवक पर गोक्षों के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर डाली। अब सोचने वाली बात यह है कि योगी पुलिस कुंभकर्ण की नींद ही सोती रहेगी और योगी के मंसूबों पर पानी फेरती रहेगी योगी पुलिस। सबसे पहले आपका परिचय। हिमांशु शर्मा, महानगर सहसंयोजक बजरंग दल मेरठ महानगर। आज क्या हुआ है यहाँ पे, क्या आपको पता लगता है? ये बजोड़ गांव में सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ गोकशी हुई है, कि गायें काट रखी हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ गाय की खाले मिली हैं। एक गाय और बछड़ा काटने के लिए यहाँ पे रख रखा है रात के लिए। उसके बाद पता लगा कि एक कुआ पीछे ट्वेल है, उस ट्वेल के अंदर गाय का सर पड़ा है अंदर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आगे गए, एक कुआ और है, एक कुएं में अलग एक पूरा अवशेष मिला है, पूरा मतलब धर बड़ा बहुत सारा पूरा कुआ भरा पड़ा है। ये सूचना प्राप्त हो रही है, पूरे बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, पूरी प्रशासन आ चुका है और जो भी कार्रवाई होगी हम सब साथ हैं। अच्छा, गौ हत्या को लेकर जो है योगी सरकार सख्त है। जी, उसके बावजूद भी मेरठ में जो है लगातार गौ हत्या की वारदात जो हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ किसकी ढिलाई? ये बात भी ये जिहादी लोग नहीं मान रहे हैं। जब तक बजरंग दल अपना डंडा टाइट करके रखेगा, ये जहाँ जहाँ सुनसान जगह है वहाँ वहाँ गायें काटते हैं। मतलब प्रशासन को वहाँ सख्त होना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए बार बार आके वहाँ क्या घटना घट रही है, क्या नहीं घट रही है। और यहाँ पे पहले भी बहुत सारी घटना हो चुकी है। इस खेत के पीछे की साइड भी बतेरे अवशेष मिले हैं, गायें कटी हुई मिली हैं, मतलब बहुत सारी गायें पहले कट चुकी। आगे नून नगर पर गायें कट चुकी, प्रतापपुर में कई गायें कट चुकी। प्रशासन की ढील है ना, इसी चक्कर में तो हो रहा है सब। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, सालों को एनकाउंटर होना चाहिए। ये उनकी आरती तारते 38 साल का एनकाउंटर होना चाहिए सीधे सबका।